सैमी ज़ेन ने रोमन रेंस पे हमला करके दी उन्हें अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच की चुनौती। फिर ट्राइबल चीफ ने ऐसे दिया करारा जवाब, जय उसो हुए लापता। जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्मैकडाउन की शुरुआत रोमन रेंस और ब्लड लाइन की बैक स्टेज एंट्री से हुई, लेकिन इस बार जय उसो उनके साथ नहीं थे। इसी वजह से ट्राइबल चीफ को अपने छोटे भाई की फिक्र होने लगी और उन्होंने लॉकर रूम में जाने के बाद जिमी से पूछा कि उनका भाई जय कहाँ है। लेकिन जिमी को भी जय के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि उनकी जय से कोई बात ही नहीं हुई। रोमन बोले कि ऐसा करके जय ने हमारी बेइज्जती की। वो ना सिर्फ हमें रॉयल रंबल में छोड़कर गया, बल्कि उसने एक हफ्ते से हमसे बात तक नहीं की। गुस्से में रोमन ने एक बार फिर जिमी से जय के बारे में पूछा, जिसके जवाब में जिमी बोले कि जय को कुछ टाइम के लिए मजे करने दो, वो ठीक होकर अगले हफ्ते वापस आ जाएगा। ये बात सुनकर ट्राइबल चीफ का गुस्सा और बढ़ गया, जिस वजह से उन्होंने सोलो सिकोवा और जिमी उसो को जय की तलाश में भेजा। फिर कुछ देर बाद पॉल हैमन ने बताया कि जय का फोन सच में नहीं लग रहा। वहीं जिमी और सिकोवा भी जय को ढूंढने में नाकामयाब रहे। इसके बाद रोमन रेंस ने अपने भाइयों से माफी मांगी, क्योंकि कुछ देर पहले उन्होंने जिमी और सिकोवा से बड़े गुस्से में बात की थी। फिर ट्राइबल चीफ ने पॉल हैमन को डिनर मंगवाने का आदेश देते हुए सिकोवा और जिमी को खाना खाने भेज दिया। वहीं खुद ट्राइबल चीफ वाइजमैन के साथ अरीना में पहुंचे। एक शानदार एंट्री के बाद फैंस को एक्नॉलेज मी कहकर रोमन बोले कि मैं कॉडी रोड्स के बारे में बात करना चाहता हूं, जो कि इस साल के मेंस रॉयल रंबल मैच का विनर है। पर फैंस अब भी सैमी के चैंट्स लगा रहे थे, इसलिए रोमन सैमी ज़ेन के बारे में बात करते हुए बोले कि हर एक कहानी के दो पहलू होते हैं। मैंने सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में सैमी की आंखों में लालच देखा। मैंने सैमी को एक मौका दिया, लेकिन उसने मेरा ब्लड लाइन और पूरी आइलैंड ऑफ रिलेवेंसी का इस्तेमाल किया। ट्राइबल चीफ आगे कुछ कहते, इतने में पीठ पीछे से सैमी ने उन पर वार कर डाला, लेकिन रोमन ने सैमी ज़ेन की कस के कुटाई करनी शुरू कर दी। फिर पॉल हैमन ने उन्हें स्टील चेयर थमाई, लेकिन जैसे ही ट्राइबल चीफ वार करने गए, सैमी ने बचकर उन्हें खतरनाक स्पीयर दे मारा। वो स्टील चेयर उठाकर रोमन को मारते, इतने में ट्राइबल चीफ रिंग छोड़कर भाग गए, जिसके बाद सैमी ज़ेन ने बड़े ही जोश और गुस्से में रोमन को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज कर दिया। तभी जिमी उसो और सोलो सिकोवा ने आकर सैमी ज़ेन की ठुकाई करना शुरू कर दी। पर जब ये दोनों सैमी की गर्दन में स्टील चेयर फंसाकर उन पे वार करने जा रहे थे, तभी रोमन ने उन्हें रोका और सैमी के गले से चेयर निकालकर कहा कि मैंने तुझ पे इतना विश्वास किया और तूने मेरी ब्लड लाइन को तोड़ दिया, तुझे मुझसे कुछ चाहिए ना, चल दिया तुझे एलिमिनेशन चैम्बर में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच। अब जो तुझे चाहिए था वो मैंने दे दिया, लेकिन जो मुझे चाहिए वो तू देगा। मुझे मेरा भाई, मेरा राइट हैंड जय चाहिए, और एलिमिनेशन चैम्बर में मैं तेरा अंत करूंगा। सैमी, तुझे तेरे परिवार के सामने शर्मसार कर डालूंगा। इस तरह से ट्राइबल चीफ ने सैमी की चुनौती स्वीकार कर ली और एलिमिनेशन चैम्बर प्रीमियम लाइव इवेंट में रोमन रेंस और सैमी ज़ेन के बीच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच होगा। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।